हम सारे ठीक है। परसों भी लिया था। सर्वप्रथम सर ग्रामीण समाचार सेवा में आपका स्वागत अभिनंदन। सर बुधवार को आपने यहाँ पर निरीक्षण किया था और बृहस्पतिवार से यहाँ पर आपने जैसे लोगों को आश्वस्त किया था कि हम इसके लिए कारगर कदम उठाएंगे, वास्तव में आपने कारगर कदम उठा करके धरातल में इसको क्रियान्वित करके भी दिखा दिया। सर आज आपके साथ वन विभाग पूरे ब्लॉक के अधिकारियों के साथ पूरे कार्य के साथ यहाँ पर पहुँचे सर, अब आपको क्या कहना है सर? धन्यवाद ग्रामीण समाचार का। बुधवार को हम आए थे, आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरा नाले ने पूरी ज़मीन को पाट दिया था और लोगों के घरों में पानी चला गया था। निस्संदेह यहाँ के लोग बड़े डरे हुए थे कि अगर बारिश हुई तो सारा पानी और सारा मलबा उनके मकानों में चला जाएगा, कोई भी जनहानि हो सकती है। तो इसी क्रम में इन लोगों ने मुझे बताया, तो हमने कहा चलो इसको देखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो वास्तव में बड़ा दर्द लगा, बड़ा दुख हुआ कि भैया इस तरह से यहाँ पर लोग आए भी, देख भी गए और कोई मदद नहीं पहुँची। मुझे तो इन्होंने बताया भी देर में और एक व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने बताया, तो मैंने कहा चलो इसमें क्या किया जाए। तो एक इसको हमने चैनलाइज करते हुए जो पानी ताकि आए तो सीधे आप देख रहे होंगे कि सीधे नदी में चले जाएगा जी। तो इसके लिए ना तो धनराशि उपलब्ध थी ना कुछ था। हमने यहाँ मुकुल शर्मा जी आए, रेंजर साहब, हमने कहा भैया आप क्या मदद करोगे, दूसरा क्या मदद करेगा, ब्लॉक से क्या मदद होगी। तो सब लोगों के सहयोग से हम लोग इसको कर कुरा के यहाँ पर हम इसको ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि ताकि यहाँ के लोगों की जान बच जाए, इनकी जान की सुरक्षा हो सके। सर इसमें ऐसे क्या विशेष, आप तो हर चीज़ के ज्ञाते हैं सर, क्या ऐसे कदम आपके रहेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार के खतरे की आशंका ना रहो? ऐसा ना देखो, खतरा तो ऊपर वाले पे है जी जी। और जहाँ तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो पानी आ रहा जी, ये जिस तरह से पिछले बार हमने 10 लाख के यहाँ पर आपने देखा होगा चेक डैम और साइड वॉल बनाई थी, और अगर सही मायने में कहें तो गाँव वालों से भी पूछिए, इसी के उससे गाँव बचा जी। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि यही हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, इसलिए हमारे इंजीनियर लोग आए हैं, मुकुल शर्मा जी आ गए भाई, इनका भी सहयोग लेंगे, हमारे जो और विभाग होंगे चाहे PWD है, चाहे जिसका भी सहयोग हम लेंगे, चाहे SCP होगा। तो यहाँ पर इसको कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि कम से कम गांव वाले सुरक्षित रह सकें। पहले भी उधर का वाला नाला आता था, क्या नाम था उस नाले का, कलसा नदी वाला जी जी। तो वहाँ पर भी ये था, वो पूरा पानी यहाँ तक आ गया था। तो तब हमारे माननीय सांसद KC बाबा जी थे, इस समय अजय भट्ट जी हैं, उनसे भी मदद लेंगे, यहाँ पर जिन लोगों से हम मदद ले सकते हैं मदद ले करके इस नाले को हम जिस तरह से इतनी जल्दी हम लोगों ने इसको चैनलाइज करने का काम किया, धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर पानी अब आएगा, अब 99% हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि ये पानी अब गांव में नहीं जाएगा, ये पानी अपना सीधे सीधे आगे बढ़ेगा। और हमारा यही प्रयास होना चाहिए, अब हम इसको जहाँ मोड़ है अभी हम JCB से और कह के इसको सीधा करा लेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इसमें ज़्यादा गाँव वालों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते यह है कि गाँव वालों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि रात को कहीं ज़्यादा बारिश होगी, अतिवृष्टि होगी तो फिर पानी ना आए, फिर भी अपनी जागरूक रहना पड़ेगा। और बाकी जो हमसे होगा हम करेंगे, आपको फील्ड में दिखेगा क्या काम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे प्रधान जी, सर प्रधान जी आपका ग्रामीण समाचार सेवा में सर स्वागत अभिनंदन। सर सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों द्वारा दौरा यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसको धरातल में मूर्त रूप देने का काम विकास पुरुष माननीय डॉक्टर हरीश बिस्सी द्वारा किया गया। सर आपके अंदर की फीलिंग क्या है इसमें? यहाँ पर नेता लोग तो कहीं आए, कहीं आश्वासन दिया, काम कुछ नहीं हुआ। माननीय प्रमुख साहब आए परसों और दूसरे दिन इसमें JCB चला के गांव की सुरक्षा कर दी गई है। अभी फिलहाल अभी कोई गांव को खतरा नहीं है फिलहाल। अब जो आगे की कार्रवाई होगी माननीय प्रमुख जी करेंगे। इस ग्राम के वासिंदों की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? ग्राम सभा की ओर से उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, कल परसों से फोन आ रहे हैं, माननीय प्रमुख साहब की वजह से तो हो रहा है सब। धन्यवाद। क्षेत्र पंचायत सदस्य महोदय आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीण समाचार का। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, कुछ मतलब व्यक्त नहीं कर सकती हूँ अंदर की खुशी। और वो मतलब धरातल पे हमारे प्रमुख जी जो भी काम लाते हैं और हमेशा उसको करते हैं, मतलब ये नहीं कि आश्वासन दे दिया और कर दिया। मैं आगे भी चाहूँगी कि हमारे प्रमुख जी बहुत ऊँचे जाएं, मतलब मंत्री पद तक या उससे भी बड़े जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल शर्मा सर आप वन क्षेत्र अधिकारी बहुत सक्रिय सर, हर क्षेत्र में हमेशा आपकी सहभागिता रहती है सर, जिस प्रकार आपका भी सर यहाँ पर पदार्पण हुआ है, लोग खुशी से गदगद हैं। सर आप ऐसे अपने विभाग की तरफ से कौन से ऐसे कारगर कदम उठाएंगे ताकि लोगों के सपनों का अनुरूप, हमारे माननीय प्रमुख जी के अनुरूप यहाँ पर ठोस रणनीति इस क्षेत्र को भूकटाव से बचाया जा सके? अभी पिछले हफ्ते बहुत तेज बारिश हुई, कई जगह आपदा हुई, तो उसमें ये इस तरह का मलबा आया, काफ़ी लोगों को क्षति हुई। तो उसकी मुझे भी 2-3 दिन पहले सूचना मिली, तो मैंने सुबह ही अपना स्टाफ भेजा था। हमारे DFO साहब ने भी कहा था जो वहाँ
सफाई आप कर सकते हो अपने स्तर से, उसको करवाओ देख लेना। तो हमारा आदमी हार गया, तो शाम को प्रमुख साहब ने बताया कि को ऐसा कर सकते हैं, जो भी इसमें हमसे विभागीय मदद होगी हम इसमें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सामंत सर, आप ग्राम विकास अधिकारी हैं सर। सर आप देखिए, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर लोगों के सुख दुख में हमेशा शरीक रहते हैं, एज ए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद पलड़िए जी, यहाँ पर मैं काफ़ी समय से ग्राम विकास अधिकारी के तौर पे हूँ और यहाँ पर जन सहभागिता बहुत अच्छी रहती है और प्रमुख जी का हमेशा यहाँ पर सहयोग रहता है। और पिछले बार भी हमने 18-19 में यहाँ मनरेगा से काफ़ी काम यहाँ पर हुआ है, जिससे ये गांव का बचाव हुआ है। इसमें सीसी ब्लॉक और इसमें हमने प्लांटेशन भी किया था, जिसमें बाँस के भी पेड़ काफ़ी लगाए हैं, अभी छोटे हैं, कुछ समय बाद अगर पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उससे भी बचाव होगा। और जैसा कि आपको मालूम ही है, परसों प्रमुख जी आए थे और उन्होंने कहा कि तत्काल हम इसमें काम करवाएंगे, और आज आप देख रहे हैं इसमें बहुत बढ़िया काम हुआ है, जिससे जो है जो मलबा है एकदम गांव आबादी की ओर नहीं जाएगा और सीधे निकलेगा। इसलिए मैं प्रमुख जी का, माननीय प्रमुख जी का धन्यवाद देता हूं, और प्रधान जी और BDC मेंबर जी भी लगातार प्रयास में रहते हैं यहां पर, सभी का धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम किसी युवा से भी जानेंगे सर, आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर, बताइए आपके क्या अंदर से स्पिरिचुअल आत्मा क्या कहती है? धन्यवाद ग्रामीण समाचार का। सबसे पहले तो प्रमुख जी के बारे में क्या कहें, जो कहें वो कमी है। मैं प्रमुख जी के बारे में ये कह रहा हूँ कि हमने तो जब ये प्रमुख बने तभी ब्लॉक देखा, आप तो उससे पहले हमने ब्लॉक के दरवाजे देखे ही नहीं थे। इन्होंने ही हमको पूरा रास्ता दिखाया और मैं इनको विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताले बजा देंगे सभी, वेरी गुड। सभी ने कहा जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मैं दुर्गादत्त पड़िया, ग्रामीण समाचार सेवा पांडे छोड़ से।